हाय एवरीवन, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, मैं आज़ाद पीरान कलियर में, यहाँ पर एक राई गेस्ट हाउस है जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं वो यहाँ रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छा फैसिलिटी यहाँ पर है। मैं अपनी वीडियो के जरिए आपको दिखाऊंगा और ये बताऊंगा यहाँ की हिस्ट्री, जो इतिहास रहा है। चलिए वो लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये राई गेस्ट हाउस है, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड, राई गेस्ट हाउस पीरान कलियर। और ये इधर से आने का रास्ता है जो साबिर साहब की दरगाह से कुछ ही दूरी पर है। और दोस्तों, सामने इसका मेन गेट है। राही गेस्ट हाउस की स्थापना उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पीरान कलियर, जब सहारनपुर में लगता था, सहारनपुर यहाँ के जो मंत्री थे सहारनपुर के, माननीय श्री विधा भूषण पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 1982 को ये संपन्न हुआ। इसका जो उद्घाटन हुआ था 13 अप्रैल 1982 को किया गया था माननीय श्री विधा भूषण द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री थे उस टाइम। ये सभी सहारनपुर में लगता था और यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। जब लोग पीरान कलियर पर देखने के लिए आते हैं, जियारत करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं बाहर बाहर से, तो यहाँ पर गेस्ट हाउस है रुकने के लिए। इसके अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग बेड के अलग अलग चार्जेस है, अलग अलग रूम के अलग अलग चार्जेस है, अलग अलग। यहाँ पर जो गार्डन बहुत ही खूबसूरत है, ये देख सकते हैं आप, कुछ लोग टहल रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। और मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा, यहाँ पर कैंटीन बनी हुई है, राही रेस्टोरेंट। अभी इसका उद्घाटन नहीं किया गया है, अभी ये बंद है। हज हाउस के बराबर में आपको देखने को मिलेगी। हज हाउस यहाँ पर पीरान कलियर में है। पीरान कलियर साबिर पाक के नाम से मशहूर है। सबसे बड़ी दरगाह यहाँ पर साबिर पाक की है। और मैं आपको अंदर, ये गो गार्डन बहुत खूबसूरत है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, सामने दरगाह बनी हुई है। और ये हज हाउस है, हज हाउस की बिल्कुल बराबर में, बगल में बना हुआ है राई गेस्ट हाउस। बहुत ज़्यादा शांति है, यहाँ पर आप आए रुक सकते हैं। और जो यहाँ के अंदर के चार्जेस मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे कैसे यहाँ पे रूम मिलेंगे आपको, अपनी वीडियो में सब बताऊंगा। अंदर चलते हैं दोस्तों। और मैं, ये राही गेस्ट हाउस है, बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस है। और शांति है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, घूमने के लिए गार्डन है, मॉर्निंग वॉक के लिए। देखिए यहाँ पर, और ये अंदर की एंट्री है रूम। चलिए अंदर बात करते हैं। ये पर्यटन सूचना केंद्र है राही गेस्ट हाउस का, पीरान कलियर शरीफ रोड की हरिद्वार। और यहाँ पे लिस्ट लगी है, यहाँ पे हमें कुछ साथी मिले हैं जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर यहाँ पर हैं जी। तो आप बता सकते हैं ये रूम कैसे कैसे अवेलेबल है यहाँ पर? ये लिस्ट लगी हुई है यहाँ पे। एसी रूम है 1600 रुपये, कितने बेड का है? अच्छा, 1600 रुपये में मिलेगा यहाँ पे, दो बेड इसके अंदर और एसी रूम है, फुल एसी है। और ये एसी और रूम 784 रुपये, ये नॉन एसी है। नॉन एसी है, इसमें कितने बेड है? डबल। अच्छा, और ये एफएस रूम? ये 1200 वाला है जी। इसमें क्या है? इसमें चार बेड है सर। इसमें चार बेड आपको मिलेंगे, 1200 रुपये में गर्म पानी मिलेगा नहाने के लिए सुबह मॉर्निंग में। और ये डिलेक्स रूम है यहाँ पर, ये 6 बेड है, 448 रुपये का चार्जर्स है। और एक ऑर्डर डोर रूम है 224 रुपये, इसमें कितने बेड है? ये जनरल बेड है, इसमें कोई भी किसी वक्त आ सकता है, जा सकता है, 224 रुपये में है ना। तो मैंने आपको दिखाया ये अंदर की, यहाँ की जो गेस्ट हाउस की, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। सफाई बहुत अच्छी है, ये जो रूम है ये भी 1600 वाला है एसी रूम। इसमें टोटल 8 कमरे हैं अलग अलग, और एक हॉल वाले कमरे ऊपर है सेकंड फ्लोर पे,
जो कि बड़े बड़े हॉल हैं, ये देख सकते हैं आप, एसी रूम है, फुल एसी है, 1600 रुपये में यहाँ पर है, वीआईपी गेस्ट हाउस है। हाँ, हम आपको दिखाते हैं और रूम। ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको जो 1600 रुपये की जो लिस्ट दिखाई है रूम वाली, ये 004 नंबर रूम है, 4 नंबर, 04 नंबर रूम है, और ये हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं जो यहाँ पे सुपरवाइजर है। ये कंबाइंड है, एसी रूम है, सिंगल बेड का है, 1600 रुपये में एसी लग रही है सामने, आप देख सकते हैं, गर्म पानी के साथ सुविधा है। इधर ये किचन बाथरूम, इधर यहाँ पर वॉशरूम है, देख सकते हैं आप, आइए यहाँ पर विजिट करिए एक बार। कलिया शरीफ में स्थित हज हाउस के बराबर में है, हज हाउस यहाँ पर गेस्ट हाउस है, हज हाउस के बराबर में गेस्ट हाउस है यहाँ पर। इसी तरह के यहाँ पर और भी रूम है, अलग अलग